फ्रॉन्क्स और बेलेनो में आपको क्या डिफरेंसेस दोस्तों मिलते हैं और इन दोनों में से कौन सा लेना ज्यादा बेटर रहेगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेलेनो है प्रॉपर हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, और फ्रॉन्क्स है क्रॉसओवर, यानी कि थोड़ी सी इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस रेस करी गई है, सीट्स की हाइट रेस करी गई है, जो एसयूवी क्रेटस 6 है वो इसको यहाँ पे दी गई है। बेलेनो की फ्रंट लुक आप देखेंगे तो थोड़ी सी वाइड यानी कि चौड़ी लगती है, जो फ्रॉन्क्स है ये थोड़ी चौड़ी भी लगती है और थोड़ी लंबी भी लगती है। फ्रॉन्क्स की जो ग्रिल है उसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, सेंटर में कैमरा मिल जाता है और ग्रिल का जो साइज है वो बेलेनो से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ग्रैंड विटारा की भी ये फ्रंट लुक याद दिलवा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट टाइप हेडलैम्प दिए गए हैं। ऊपर की साइड फ्रॉन्क्स में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाते हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करेंगे। और नीचे की साइड आपको मिलते हैं 3 एलिमेंट फुल LED हेडलैम्प, 2 एलिमेंट जो है लो बीम के हैं, 1 एलिमेंट आपको हाई बीम का मिलता है। बात करें बेलेनो के बारे में तो बेलेनो में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स। और फ्रॉन्क्स में फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है, बेलेनो में आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं वो भी LED में। फ्रॉन्क्स से क्रॉसओवर है तो यहाँ पे SUV कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है, जैसे कि फ्रंट में बिग साइज की स्किड प्लेट मिलेगी। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो व्हील आर्चर स्लाइडिंग, साइड बॉडी स्लाइडिंग दी गई है जो कि इसे थोड़ा सा टॉल स्टांस दे सके। दोनों में 16 इंचेस के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बेलेनो के जो डोर हैंडल्स हैं वहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलती है, फ्रॉन्क्स में यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं, और बेलेनो एंड फ्रॉन्क्स में दोनों में ही आपको विंडो के पास क्रोम फिनिश मिल जाती है। एंड दोस्तों बेलेनो और फ्रॉन्क्स की आप साइड प्रोफाइल की राइट साइड हल्का सा देखेंगे कॉर्नर में तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं फ्रॉन्क्स की कूपे लाइक स्टाइलिंग दी गई है, जो कि फ्रॉन्क्स है बेसिकली बेलेनो क्रॉस या फिर बेलेनो क्रॉसओवर। और ये है दोनों ही कार्स की रियर प्रोफाइल। डेफिनेटली जो फ्रॉन्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लग रही है, जॉइनिंग आपको यहाँ पे टेल लैम्प्स मिल जाती हैं जो कि बहुत ही ब्रॉड बिग LED एलिमेंट के साथ दी गई है। इवन ग्रैंड विटारा में भी इतने ज़्यादा जो LED एलिमेंट है इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं मिलते, वहाँ पे थोड़े थिन मिलते हैं, यहाँ पे ब्रॉड दिए गए जिस वजह से नाइट में और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। ऑल्सो फ्रॉन्क्स में आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती है क्योंकि ये क्रॉसओवर है अगेन, जो कि बेलेनो में नहीं दी गई। एंड जो रियर प्रोफाइल आप बात करें साइड प्रोफाइल की, तो जो फ्रॉन्क्स है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, रियर में इतनी बिग साइज की स्किड प्लेट भी दी गई है प्रॉपर एक SUV स्टांस के लिए। एंड दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट कंपेरिजन। सो लेंथ में जो फ्रॉन्क्स है वो 5 mm बड़ी है, विड्थ में 20 mm ज़्यादा है, हाइट में 50 mm ज़्यादा आपको मिलती है। और व्हील बेस भी आपको दोनों ही कार्स का बिल्कुल सेम मिलता है, जो है 2520 mm, एंड प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल सेम दिया गया जो है हार्टेक प्लेटफॉर्म। इसी के साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो फ्रॉन्क्स की आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, अभी डिक्लेयर नहीं करेगी। बेलेनो में 170 mm है, फ्रॉन्क्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको 190 mm प्लस मिलेगी। और यहाँ पे आप टर्निंग रेडियस भी देख सकते हैं, बेलेनो में स्लाइटली आपको कम मिलता है, जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो सेम दी गई है। ऑल्सो फ्रॉन्क्स बहुत ही जल्दी CNG में भी लॉन्च होने वाली है, बेलेनो एंड ब्रेजा ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ग्रैंड विटारा भी। इसी के साथ बूट स्पेस आप देख सकते हैं, जो फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है, बेलेनो में 10 लीटर बूट स्पेस ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे आप कर्व वेट का कंपैरिजन भी देख सकते हैं, 30 kg आपको फ्रॉन्क्स में जो वेट है वो ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस इंटीरियर डिफरेंसेस के बारे में, तो ये है बेलेनो एंड फ्रॉन्क्स के इंटीरियर्स। बेलेनो में यहाँ पे डुअल टोन थीम मिलता है जो है ब्लैक एंड ब्लू, फ्रॉन्क्स में आपको मिलेगा ब्लैक एंड ब्राउन थीम, दोनों के जो थीम है वो बहुत ही यूनिक है। एंड साथ में बेलेनो में आपको सिल्वर फिनिश इंटीरियर में ज़्यादा मिलती है, फ्रॉन्क्स में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है ज़्यादा। स्टीयरिंग व्हील पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी फ्रॉन्क्स में, बेलेनो की स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बाकी सब कुछ आपको सिमिलर मिलेगा, जैसे कि 9 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक AC हो गया, आर्मरेस्ट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, तो जो इंटीरियर का लेआउट है आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिलता है। इंटीरियर हल्का सा आपको वाइड यहाँ पे फ्रॉन्क्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट सीट का कंफर्ट भी आपको दोनों ही गाड़ियों का सेम मिलेगा। बात करते हैं रियर सीट के बारे में, तो रियर सीट में यहाँ पे बेलेनो में 2 adjustable हेडरेस्ट दी गई है, फ्रॉन्क्स में आपको 3 adjustable हेडरेस्ट मिलती है, बट फ्रॉन्क्स में रियर में आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो बेलेनो में भी नहीं मिलती, लेकिन फ्रॉन्क्स में आ सकती थी लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई। और रियर में आपको AC वेंट भी मिल जाता है और 2 chargers भी मिल जाते हैं, जो है एक सी टाइप और एक A टाइप USB। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, तो फ्रॉन्क्स में अवेलेबल है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद 5-speed मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स। बेलेनो में भी आपको सेम इंजन मिल जाता है, एंड बेलेनो में इवन CNG का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें पावर एंड टॉर्क थोड़ी सी कम मिलेगी और CNG मैनुअल के साथ अवेलेबल है। अभी फ्रॉन्क्स में CNG का ऑप्शन नहीं मिलता, बहुत ही जल्दी आने वाला है। फ्रॉन्क्स में गाइस यहाँ पे 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है विद 5-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो कि बेलेनो में अवेलेबल नहीं है। और टर्बो पेट्रोल इंजन में फ्रॉन्क्स में गाइस जो 6-speed ऑटोमेटिक है वो है टॉर्क कन्वर्टर, यानी कि बहुत ही स्मूथ आपको मिलेगा कंपेयर टू AMT। और अब बात करते हैं टॉप फीचर कंपैरिजन के बारे में, तो कौन से फीचर्स फ्रॉन्क्स में ज़्यादा है, कौन से फीचर बेलेनो में ज़्यादा है।
तो सबसे पहले दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में जो कॉमन फीचर्स हैं यानी कि सेम फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, दोनों में आपको एलईडी टेल लैंप मिल जाते हैं, लेदर अप स्टीयरिंग व्हील, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, अमेज़न एलेक्सा सपोर्ट, यहाँ पे हेडसअप डिस्प्ले मिल जाता है, फ्रंट फुटवेल, इल्यूमिनेशन एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं फ्रॉन्क्स के यूनिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पेडल शिफ्टर्स, रियर में आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है, बलेनो में रियर में 2 एडजस्टेबल मिलती है, और इसी के साथ फ्रॉन्क्स में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि बलेनो में अवेलेबल है लेकिन आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते। तो बलेनो में आपको LED फॉग लैम्प मिल जाएंगे और क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल मिल जाएंगे जो कि फ्रॉन्क्स में नहीं दिए गए। तो ये थे कुछ फीचर कंपैरिजन। अब बात करते हैं टॉप सेफ्टी फीचर के बारे में। तो गाइस दोनों ही गाड़ियों में आपको जो सेफ्टी फीचर मिलते हैं वो एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियां काफी फीचर रिच है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड कोई भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट नहीं थी फ्रॉन्क्स में और ना ही यहाँ पे दिया गया। तो एग्जैक्टली सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं दोनों में। 6 एयरबैग्स, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, 360 कैमरा, ब्रेक असिस्ट, ऑटोमेटिक हेड लैम्प एंड ऑटो डिमिंग IRV। तो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो फ्रॉन्क्स का जो प्राइस है वो है 7 लाख से लेकर 10,40,000 जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है। बलेनो का जो प्राइस है वो 6,49,000 से स्टार्ट होता है। टॉप मॉडल का प्राइस है 9,71,000। सारे प्राइजेस एक शोरूम है। जो फ्रॉन्क्स का प्राइस है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए? तो बात करते हैं कि आपको फ्रॉन्क्स को क्यों परचेज करना चाहिए ओवर बलेनो। सबसे बड़ा जो फ्रॉन्क्स का पॉजिटिव पॉइंट है या USP है वो है दोस्तों उसका एक्सटीरियर डिजाइन जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कूपे लाइक स्टाइलिंग दी गई है, रियर में कनेक्टिंग टेल लैम्प, फ्रंट लुक आपको मिनी ग्रैंड विटारा की तरह मिलती है यानी ग्रैंड विटारा की तरह सिमिलर मिलेगी। तो जो लुक है वो बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंड रीजन है कि ग्राउंड क्लियरेंस, तो आप खराब रास्तों में आराम से ले जा सकते हैं। बलेनो में थोड़ी बहुत आपको बम्स एंड बॉटल्स जो फील होते थे खराब रास्ते में, वो फ्रॉन्क्स में मोस्ट प्रोबेबली फील नहीं होंगे एंड वो डिपेंड करेगा कैसा सस्पेंशन सेटअप दिया गया। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी अवेलेबल है तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप खराब रास्ते में आराम से ले जा सकते हैं। देन जो फ्रॉन्क्स है गाइज वो बलेनो से डेफिनेटली एक बिगर लुक ऑफर करती है। यहाँ पे आपको 1-liter 3-cylinder टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि काफ़ी एंथुजियास्टिक है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। और अब बात करते हैं बलेनो के बारे में, क्यों आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्टली दोस्तों जो रीज़न है वो इसका प्राइसिंग, जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। देन यहाँ पे अगर आप बलेनो से फ्रॉन्क्स में अपग्रेड कर रहे हैं, यू आर पेइंग 50-80,000 एक्स्ट्रा। देन उसके बाद भी जो फीचर डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं दिए गए। तो अगर आपको जैसे लुक्स या फिर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए देन यू कैन स्टिक टू बलेनो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी है बलेनो की वो आपको 1-1.5 KMPL ज़्यादा मिलेगी। जो SUVs होती हैं क्रॉसओवर होती है, हाइट इंक्रीज करने की वजह से वो थोड़ा सा कम एरोडायनामिक हो जाती है, जिस वजह से जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी आपको कम मिलेगी ऑन रोड। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको जो CNG का ऑप्शन है वो सिर्फ बलेनो में मिलता है, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता। एंड ओवरऑल टर्म्स में बात करें, अगर मेरे को फ्रॉन्क्स या बलेनो में से परचेज करना हो कोई एक कार या फिर मेरे को आपको रिकमेंड करना हो देन आई विल रिकमेंड यू फ्रॉन्क्स। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो फ्रॉन्क्स है वो काफ़ी वर्थ इट है। एक्सटीरियर जो डिज़ाइन है इसका बहुत ही क्लियर है, हर एक नुक इन कॉर्नर से इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग कार। रियर से स्पेशली काफ़ी आई कैचिंग है, बलेनो तो काफ़ी कॉमन हो गई है बट फ्रॉन्क्स बहुत ही यूनिक कार है, क्रॉसओवर सेगमेंट में कोई भी नहीं है इस प्राइस में। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द फ्रॉन्क्स। देन यहाँ पे आपको अगर पावर की नीड रहती है 1-liter 3-cylinder टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, एक टॉल स्टांस ही ऑफर करती है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोज़ एंड कंपेरिजन पोस्ट होने वाले चैनल पे, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों।